हेलो फ्रेंड्स, माय किचन विद डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी। हाफ के जी चिकन ली हूँ और उसमें सबसे पहले मैं दही डालूँगी। आधा किलो में कम से कम मीडियम साइज का एक बाउल से पूरा दही डालना है। एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके बाद मैं स्पाइसेस डालूंगी। सबसे पहले मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, फिर जीरा पाउडर डाल रही हूँ एक चम्मच। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये मैं दो चम्मच डाल रही हूँ। ये मेरा चम्मच है, इससे मैं दो चम्मच धनिया पाउडर डाली हूँ। ये हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, फिर गरम मसाला, इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, इसके बाद कसूरी मेथी, इसके बाद मैं कटा हुआ धनिया पत्ता डालूंगी, साथ में पुदीना पत्ता, और दो हरा मिर्च, और फिर भुना हुआ ब्राउन प्याज डालूंगी। इसे मैं स्लाइस काट के रिफाइंड ऑयल में अच्छे से भून ली हूँ, ब्राउन कर ली हूँ, और इसे मैं फ्रिज में डाल दी हूँ। अब चिकन को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए, मैं चिकन को अच्छे से मिला ली हूँ। अब मैं इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। जब तक मेरा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक मैं चावल को भी पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रही हूँ। कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ूंगी। इसके लिए मैं अरवा चावल ली हूँ, अरवा बासमती चावल है मेरा। हम लोग चावल इसलिए फुलाते हैं ताकि चावल खिला खिला निकल सके बिरयानी का। यदि आप डायरेक्ट चावल इस तरह से बनाएंगे, नॉर्मल जैसे चावल बनाते हैं, तो आपका बिरयानी चिपका हुआ रहेगा। इसलिए हम लोग बनाने से पहले चावल को आधा घंटा के लिए पानी में डाल करके छोड़ देते हैं। मैं चावल का पानी निकाल ली हूँ। चावल मेरा बहुत अच्छे से फूल गया है। बिरयानी के लिए मैं एल्युमिनियम के बर्तन का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉनस्टिक या पीतल के बर्तन का यूज कर सकते हैं। यदि आप स्टील के बर्तन में बनाते हैं तो आपका बिरयानी नीचे से जल जाएगा, और जब भी आप एल्युमिनियम के बर्तन में भी बिरयानी बनाएंगे तो नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, ताकि जब भी आप दम लगाएं बिरयानी में तो वो जले ना। यदि आपका नीचे वाला पोर्शन यदि पतला रहेगा तो बिरयानी जलने का चांसेस रहता है। इसीलिए जब भी बिरयानी बनाइए तो एल्युमिनियम के बर्तन में बनाइए, और थोड़ा मोटा रहना चाहिए बर्तन, या नॉनस्टिक के बर्तन में आप बना सकते हैं। इस पतीले में मैं पानी ले ली हूँ। अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, गोटा गरम मसाला डालूंगी। गोटा गरम मसाला के लिए मैंने स्टार एनीस, जयपत्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची और सौंफ और
इन सबको मैं पानी में डाल दूंगी। पानी जब उबल जाएगा तब मैं इसमें चावल डालूंगी। चिकन को मैं एक घंटे बाद निकाल ली हूँ। इसमें मैं घी डालूंगी, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। घी डालने के बाद मैं इसे मिला करके एक घंटे के लिए फिर से मैरिनेट, एक घंटे के लिए फिर से मैं इसे छोड़ दूंगी। ये देखिए मेरा पानी उबल गया है और कलर भी चेंज हो गया है गरम मसाला डालने से। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। ये चावल मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। दो चम्मच मैंने नमक डाला है। अब चावल को मैं 1/4 पकाऊंगी, पूरा चावल नहीं पकाना। ये देखिए मेरा चावल रेडी हो गया, मैं इसे 1/4 पकाई हूँ चावल को। ये देखिए ये मैंने पूरा नहीं पकाया है चावल को। एक भाग मैं चिकन के साथ दम लगाऊंगी तब पकाऊंगी। अब ये चावल को मैं जल्दी से इसका पानी सारा निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैं चावल का सारा पानी निकाल ली हूँ। अब मैं दम लगाने का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। 2 घंटे बाद मेरा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैं बिरयानी को दम लगाने का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस पतीले में मैंने चावल बनाया था उसी पतीले में मैं घी डालूंगी। ये मैं घी डाल ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालूंगी। कश्मीरी मिर्च मैंने डाल लिया, इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी मैंने गैस पे नहीं डाला है, अभी मैं सेल्फ पे रखी हूँ पतीले को। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर चावल डालूंगी। मैं 2 लेयर में डाल रही हूँ। आप चाहें, यदि आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 3 या 4 लेयर भी इसका लगा सकती हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर गरम मसाला छिटूंगी। फिर पुदीना और धनिया का पत्ता, फिर भुना हुआ प्याज, ब्राउन अनियन, इसके बाद फिर मैं एक बार चिकन का लेयर डालूंगी। इसके बाद फिर मैं चावल डालूंगी। अब मैं इस पे सबसे पहले मैं भुना हुआ अनियन डाल रही हूँ, ब्राउन अनियन। इसके बाद मैं घी डालूंगी चारों तरफ से। यह गरम मसाला, आप चाहे तो फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं। मैं फूड कलर नहीं यूज करती हूँ। या एसेंस का भी यूज कर सकते हैं।
उसके ऊपर मैं फिर पुदीना और धनिया का एक लेयर डालूंगी। इसके ऊपर पुदीना और धनिया डाल देते हैं। दम लगाएंगे। सबसे पहले मैं देखिए गुथा हुआ आटा को चारों तरफ पतीले के चारों तरफ इस तरह से लगा दे रही हूँ। ये सबसे आसान तरीका है दम लगाने का। ये देखिए मैं चारों तरफ से आटे को लगा ली हूँ। अब मैं इसे ढक दूंगी और इसे 35 मिनट्स के लिए दम लगाएंगे और फ्लेम को धीमा रखेंगे। 35 मिनट्स बाद मैं इसे खोल के देखूंगी, यानी रेडी हो गया है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। ये मेरा बिरयानी रेडी हो गया। ये देखिए अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। ये मैंने गार्निश कर लिया प्याज और पुदीने और धनिया पत्ता से। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।